आज की हमारी मूवी एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है जिसे देखकर आपका मन थोड़ा विचलित भी हो सकता है। हमारा हीरो एक अमेरिकन होता है और उसकी वाइफ एक ब्राजीलियन होती है और दोनों की सोच में बहुत फर्क होता है। इन दोनों की ही मैरिज को काफी साल हो चुके हैं और इनकी एक बेटी भी है। मेल कैरेक्टर का नाम विक है और फीमेल कैरेक्टर का नाम मेलिंडा है। आज ये दोनों अपनी फ्रेंड की एक पार्टी में जा रहे हैं। मेलिंडा विक को कहती है, क्या तुम मुझे मेरी हील पहना दोगे? विक खुशी खुशी उसकी हील उसे पहना देता है। मेलिंडा कहती है कि तुम जानते हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। ये सुनकर विक थोड़ा शांत हो जाता है और उसे इसका जवाब नहीं देता और कहता है कि चलो चलते हैं। विक के मन में क्या चल रहा था ये हमें मूवी में आगे पता चलेगा। ये दोनों अब पार्टी में पहुंच जाते हैं। वहां मेलिंडा को अपना एक पुराना दोस्त जोएल मिल जाता है जिससे बातें करने में अब वो बिजी हो जाती है। विक भी यहाँ अपने दोस्तों से बातें करने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद वो मेलिंडा को खोजने लगता है। वो देखता है कि मेलिंडा नीचे स्विमिंग पूल में अपने फ्रेंड जोएल के साथ किसिंग कर रही है। ये देखकर विक काफी दुखी होता है लेकिन वो कोई रिएक्शन नहीं देता, मानो जैसे ये सब उसने पहले भी देखा हो। विक के दोस्त भी उससे कहते हैं कि जोएल और मेलिंडा के बीच में शायद कुछ चल रहा है, तुम्हें इस पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन विक उनसे कुछ नहीं कहता और उनकी बातों को इग्नोर कर देता है। थोड़ी देर बाद मेलिंडा पार्टी में पियानो बजाती है जिसे देखकर विक काफी खुश हो जाता है। ये वाकया काफी अजीब सा है कि जो वाइफ अभी किसी गैर मर्द के साथ इन्वॉल्व थी उसके अब पियानो बजाने पर विक काफी खुश हो रहा था। विक का ये बिहेवियर काफी अजीब होता है। पार्टी में जोएल और विक भी बात करते हैं। जोएल विक को कहता है कि तुम बहुत अच्छे हस्बैंड हो जो अपनी वाइफ की पर्सनल लाइफ में बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करते, तुम्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी वाइफ किसके साथ क्या क्या कर रही है। तो विक उसे डराते हुए कहता है कि मेरी वाइफ का एक पुराना बॉयफ्रेंड था मार्टिन, और तुम जानते ही होगे कि मार्टिन अब टाउन से गायब हो चुका है क्योंकि मैंने उसे मार दिया है। जो भी मेरी बीवी के करीब आता है मैं उसे जान से मार देता हूँ। ये सुनकर जोएल काफी डर जाता है और पार्टी छोड़कर चला जाता है। पार्टी खत्म होने के बाद मेलिंडा विक से पूछती है कि क्या तुमने मेरे फ्रेंड को धमकाया था, वो पार्टी छोड़कर गायब हो गया। विक कहता है कि नहीं, मैंने तो उसे कुछ भी नहीं कहा। विक और मेलिंडा अब घर आ जाते हैं और हम इनकी बेटी ट्रिक्सी को भी देखते हैं जिसको संभालने के लिए एक बेबी सीटर भी होती है। बेबी सीटर के सामने ही मेलिंडा टॉपलेस हो जाती है, जिस पर विक उस बेबी सीटर को समझाता है कि मेरी वाइफ एक अलग कल्चर से बिलोंग करती है, वो ब्राजीलियन है और वो काफी ओपन माइंडेड है, इसलिए तुम इन सब चीजों को माइंड मत करना। इस पर मेलिंडा कहती है कि अमेरिका कितना सफोकेटिंग है, यहाँ के लोग कितने रिजर्व रहते हैं। इसके बाद विक बेडरूम में जाकर मेलिंडा को मसाज देता है और वो उससे पूछता है कि तुमको ऐसे ही लड़के क्यों पसंद आते हैं जिनके पास ना इंटेलिजेंस होता है ना ही ब्रेन होता है। तो वो विक से पूछती है, क्या तुम मुझे मेरे ब्रेन के लिए पसंद करते हो या किसी और चीज के लिए? वो कहती है कि मैं इंटेलिजेंस के लिए लड़कों को पसंद नहीं करती, मुझे तो सिर्फ उनसे प्लेजर चाहिए होता है। जब मेलिंडा का मसाज पूरा हो जाता है वो विक को दूसरे कमरे में जाने के लिए कहती है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये दोनों कपल्स अलग अलग कमरों में सोते हैं। इन दोनों की ही लाइफ बाहर से काफी परफेक्ट लगती है लेकिन अंदर ही अंदर इनके बीच काफी मतभेद भी होते हैं। वाइफ को ओपन रिलेशनशिप में रहना पसंद है और यहाँ हस्बैंड फैमिली ओरिएंटेड है, लेकिन वो अपनी वाइफ को इतना प्यार करता है कि वो उसकी हरकतों पर भी उसे कुछ नहीं कहता, इसलिए वो उसके लवर्स को धमकाता है और उन्हें उनसे दूर करने की कोशिश करता है। विक अपना ज्यादातर टाइम अपनी बेटी ट्रिक्सी के साथ बिताता है और बाकी का टाइम अपने प्रोजेक्ट जिसमें वो स्नेल्स को ग्रो करने का काम करता था। विक ने अपने घर के बाहर गार्डन में एक छोटा सा स्नेल कल्चर के लिए रूम बना रखा है और यहाँ विक काफी टाइम स्पेंड भी करता है। ट्रिक्सी बहुत ही स्मार्ट लड़की है जो अपने स्कूल के प्रोजेक्ट के लिए रेडॉक्स रिएक्शन पावर्ड पोटैटो से चलने वाला एक रोबोट बनाती है। वो इतनी स्मार्ट होती है कि वो अपने मॉम डैड के बीच में चल रहे रिलेशन को काफी अच्छे से समझती है। विक अपनी बेटी ट्रिक्सी को स्कूल छोड़ता है तो वहाँ उसे कैली जो उसकी बहुत अच्छी फ्रेंड है वो वहाँ मिलती है। वो मजाक करते हुए कहती है कि मैंने सुना है कि तुम लोगों का मर्डर कर रहे हो। वो बोलती है कि जोएल पूरे टाउन में बात फैला रहा है कि तुमने अपनी वाइफ के बॉयफ्रेंड मार्टिन का मर्डर किया है। विक बोलता है कि मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। कैली कहती है कि मजाक हो या सच हो लेकिन तुम्हारा आइडिया काम कर गया, अब जोएल तुम्हारी बीवी के आसपास कभी भटकेगा भी नहीं। ये सब बातें उसके दोस्तों को भी पता चलती है
विक समझाते हुए कहता है कि देखो मैंने कोई भी मर्डर नहीं किया, मैंने तो सिर्फ जॉयल को डराने के लिए ऐसा कहा था। वो अपनी वाइफ को भी क्लैरिफाई करता है, लेकिन वो उससे झगड़ने लगती है कि तुमने मेरे दोस्त को डरा धमका कर पार्टी से भगा दिया और मुझे तो लगता है कि तुमने मार्टिन का मर्डर भी किया है, और कहती है कि तुम्हें जॉयल को घर में बुलाना पड़ेगा और उससे माफी मांगनी पड़ेगी। फिर वो लोग जॉयल को अपने घर पर डिनर पर बुलाते हैं। डिनर के बाद में मेलिंडा विक को कहती है कि तुम ट्रिक्सी के रूम में जाकर और उसे बेड टाइम स्टोरी सुनाओ। विक समझ गया था कि वो अब डॉयल के साथ मस्ती करना चाहती है, इसलिए वो ट्रिक्सी के रूम में जाकर उसे स्टोरी सुनाने लगता है। ट्रिक्सी अपने डैड से कहती है कि मॉम दूसरे आदमियों के साथ ऐसा बिहेव क्यों करती है, मुझे ये आदमी जॉयल बिल्कुल भी पसंद नहीं, मैं आप दोनों को ही एक साथ देखना चाहती हूँ, मैं मॉम को किसी और आदमी के साथ देखना पसंद नहीं करती। विक कहता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, अब तुम सो जाओ। वो अपने ही घर में अपनी वाइफ को जॉयल के साथ मस्ती करता हुआ देखता है, इसलिए वो फिर किचन में जाकर कुछ प्लेट्स को पटक देता है, जिसकी आवाज सुनकर वो दोनों बाहर आते हैं। बाहर आने पर विक जॉयल से कहता है कि मैं तुमसे माफी नहीं मांगूंगा और मैं बात क्लियर कर दूं, मार्टिन का मर्डर मैंने हैमर मार मार के किया है। जॉयल अब और ज्यादा डर जाता है और वहां से भाग जाता है। अगले दिन विक, मेलिंडा और ट्रिक्सी अपने फ्रेंड की एक पार्टी में जाते हैं, जहां पर उनको एक ऑथर डॉन मिलता है। डॉन बताता है कि मैं स्टोरीज लिखता हूँ, तुम क्या करते हो? विक बताता है कि मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मैं चिप्स बनाता हूँ जो ड्रोन टेक्नोलॉजी में यूज होते हैं। तो डॉन कहता है कि अच्छा तुम ड्रोन पर काम करते हो जो अफगानिस्तान में बम गिराने का काम करते हैं। इस पर विक कहता है कि बॉम्ब ही क्यों, अगर तुम किसी जरूरतमंद को खाना पहुंचा सको तुम वो भी ड्रोन की मदद से कर सकते हो। इस पर डॉन कहता है कि खाना तो पहुंचाया जा सकता है, लेकिन ड्रोन का यूज तो बॉम्ब गिराने में ही किया जा रहा है। इन्हीं सब बातों की वजह से डॉन और विक के मन में अनबन हो जाती है। फिर जब डॉन आर्गुमेंट हारने लगता है तो विक को कहता है कि तुमने मार्टिन को मारा था, मैंने ये बात सुनी है। विक कहता है ये सब तो एक जोक था, तुम इन सब बातों को सीरियसली कैसे ले सकते हो। पार्टी में विक अपनी क्लोज फ्रेंड और ट्रिक्सी की स्कूल टीचर कैली के साथ डांस करता है, जिसको देखने के बाद मेलिंडा काफी जेलस फील करती है, और वापस जाते समय वो कार में विक को प्लेजर देती है। फिर दोनों ही घर जाकर कई दिनों के बाद आपस में प्यार करते हैं। विक को कुछ दिनों के बाद पता चलता है कि मेलिंडा अब पियानो क्लासेस लेने लगी है, और वहां पर उसका जो टीचर है चार्ली, वो अब उसका बॉयफ्रेंड बन गया है। विक अपना यहाँ ज्यादातर समय स्नेल कल्चर में बिताता था, लेकिन उसकी जो इमेजिनेशन होती है अपनी वाइफ को चार्ली के साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व होता हुआ देखता है। आज रात मेलिंडा घर पर भी नहीं आई है, इसलिए वो इमेजिन करते करते आज रात सो भी नहीं पाया है। अगली सुबह जब मेलिंडा घर पर आती है, विक उससे पूछता है कि तुम पूरी रात कहाँ पर थी। मेलिंडा यहाँ क्लियरली बता देती है कि मैं पूरी रात चार्ली के साथ अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही थी। विक को तो ये पहले से ही अंदाजा होता है। मेलिंडा यहाँ इतनी ब्लंट होती है, विक को वो चार्ली के बारे में ऐसी ऐसी बातें बताती है जिसको सुनकर कोई भी हस्बैंड बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो बोलती है कि मैं तुम्हें क्या क्या बताऊं, उसने मुझे कहाँ कहाँ छुआ और कहाँ कहाँ किस किया, तुम मुझसे क्या जानना चाहते हो कि उसने मुझे कैसे प्लेजर दिया। विक उससे कहता है कि हमारी एक बच्ची है और हमारी एक फैमिली है, तुम उसके बारे में तो सोचो। मेलिंडा कहती है कि ये तुम्हारी ही चॉइस थी कि बच्चे पैदा करना और एक फैमिली बनाना। इससे ये समझ आता है कि मेलिंडा यहाँ ओपन रिलेशनशिप में रहना चाहती थी, लेकिन विक को एक फैमिली चाहिए थी, लेकिन फैमिली बनाने का और बच्चे पैदा करने का प्लान विक का था, इसलिए मेलिंडा अब एडजस्ट नहीं कर पा रही थी। लेकिन विक चाहता था कि वो सभी लोग मिलकर एक फैमिली की तरह एक घर पर रहें। लेकिन मेलिंडा की इन सब हरकतों की वजह से उनका परिवार अब बिखर रहा था। विक ने मन ही मन अब सोच लिया था कि अब ये सब चीजें आगे नहीं चलेंगी। एक दिन विक के फ्रेंड के घर में पार्टी होती है, जहाँ पर मेलिंडा का नया बॉयफ्रेंड चार्ली भी वहाँ आया है। मेलिंडा उसे देखकर काफी खुश हो जाती है, लेकिन विक काफी अपसेट होता है। पार्टी में मेलिंडा के रिक्वेस्ट करने पर चार्ली वहाँ पियानो बजाता है, जिसको मेलिंडा काफी एंजॉय करती है। अब रात हो चुकी है, विक मेलिंडा को खोजते हुए सीढ़ियों से ऊपर जा रहा था, तभी वो नीचे देखता है कि मेलिंडा और चार्ली काफी इंजॉय कर रहे हैं। अब वो दोनों कमरे से बाहर निकलकर स्विमिंग पूल की तरफ जा रहे हैं। अपनी वाइफ को चार्ली के साथ सबके सामने मस्ती करते हुए देखकर उसका गुस्सा चरम सीमा पर पहुंच जाता है। फिर वो अपने दिमाग में एक ऐसा प्लान बनाता है जिसका अंजाम चार्ली के लिए काफी बुरा होने वाला है। थोड़ी देर बाद में वहाँ बारिश होने लगती है, जिसकी वजह से वहाँ सब लोग एक एक करके अंदर आ जाते हैं। घर के अंदर जब सब लोग कुकीज एंजॉय कर रहे थे, तब मौका देखकर विक स्विमिंग पूल में आ जाता है और चार्ली को स्विमिंग पूल के अंदर डुबो के वहाँ मार देता है और वापस नॉर्मल बिहेव करते हुए घर के अंदर आ जाता है।
है और कुकीज खाने लगता है। मेलिंडा को जब चार्ली नहीं दिखता वो उसे खोजने लगती है। वो देखती है कि चार्ली स्विमिंग पूल में तैर रहा है। वो चिल्लाती है, फिर सभी लोग दौड़कर उसे पूल से बाहर निकालते हैं। उसे होश में लाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो मर जाने की वजह से होश में नहीं आ पाता। फिर पुलिस की टीम वहां आकर उसे मृत घोषित कर देता है। पुलिस जब वहां पर इन्वेस्टिगेशन करती है उनको वहां पर कुछ नहीं मिलता। पुलिस इसको एक्सीडेंट बोलकर वहां से चली जाती है। लेकिन यहां डॉन, जिसने विक और चार्ली को स्विमिंग पूल में देखा था, अब वो विक पर डाउट करने लगता है। डॉन अब एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हायर करता है जो विक पर नजर रखता है। विक एक दिन उस आदमी को अपनी वाइफ के साथ रेस्टोरेंट में पकड़ लेता है। ये आदमी पहले तो खुद को एक साइकोथेरेपिस्ट बताता है लेकिन विक समझ जाता है कि ये एक डिटेक्टिव है। फिर उसने अपनी वाइफ के बैंक स्टेटमेंट से पता लगाया कि उसकी वाइफ डॉन को कुछ पैसे दे रही है ताकि वो डिटेक्टिव को लगा सके। फिर वो डॉन के घर जाकर कहता है, तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम मेरे पीछे किसी डिटेक्टिव को लगाओ। डॉन की वाइफ कैली उसे माफी मांगने के लिए कहती है लेकिन वो कहता है कि मैं क्यों माफी मांगूं, मैंने भला क्या किया है। इस वाक्य के बाद डॉन और विक के बीच में काफी दरार बढ़ जाती है। लेकिन विक की सबसे बड़ी मुसीबत उसकी वाइफ थी और उसके नए नए बॉयफ्रेंड्स। मेलिंडा अब अपने नए बॉयफ्रेंड टोनी के साथ घूम रही है। वो उसके कॉलेज टाइम में उसका बॉयफ्रेंड था और वो यहाँ यूएसए में आकर उससे दोबारा मिलता है। ये सब देखकर विक के मन में फिर से जेलेसी उत्पन्न हो गई है। ट्रिक्सी कहती है कि डैड, मुझे पता है कि आपने क्या किया है, मुझे पता है कि आपने चार्ली को मारा है। तो विक कहता है कि अगर ये तुम्हें पता है तो ये बात हम दोनों के बीच में ही रहनी चाहिए। फिर ट्रिक्सी अपने रूम में जाती है और विक यहाँ मेलिंडा को अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ बात करते हुए सुनता है। वो सुनता है कि मेलिंडा कह रही है कि यहाँ से जाने का कब का प्लान है। ट्रिक्सी को भी धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी और वो वहाँ पर एडजस्ट भी कर लेगी। मेलिंडा की ये सब बातें सुनकर विक को ये बात समझ आ जाती है कि मेलिंडा अब उसे छोड़कर ब्राजील जाने का प्लान बना रही है और वो ट्रिक्सी को भी साथ ले जाएगी। अगले दिन विक का गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है जब टोनी मेलिंडा के बुलाने पर उसके घर आ जाता है और मेलिंडा के साथ लंच करके वो दोनों डांस करते हैं और उसकी वाइफ के साथ काफी मस्ती करता है। ये सब देखकर विक को बिल्कुल भी सहन नहीं हो रहा था, इसलिए फिर वो अगले दिन टोनी को एक रेस्टोरेंट से निकलते हुए पिक कर लेता है और कहता है कि मेलिंडा ने पास में ही एक प्रॉपर्टी की साइट देखी है, मैं उसी तरफ जा रहा हूँ, चलो तुम भी चलो। फिर टोनी भी उसके साथ गाड़ी में बैठकर उस साइट की तरफ चले जाता है। फिर ये दोनों उस टाउन से काफी दूर एक हाइकिंग साइट पर जाते हैं। विक यहाँ पर काफी रफली कार चलाता है इसलिए टोनी को काफी अजीब लग रहा था। फिर ये दोनों हाइकिंग साइट पर नीचे उतर जाते हैं। टोनी जब थोड़ा आगे जाने लगता है तो विक एक पत्थर उठाकर उसके सर पर मार देता है और फिर दोबारा वो पत्थर से अटैक करता है, जिसकी वजह से टोनी वहां से गिरकर लुढ़कता हुआ रिवर के पास के एक पत्थर में टकराकर वहीं पर मर जाता है। विक नीचे आकर उसका वॉलेट ले लेता है। फिर वो टोनी की बॉडी को एक बड़े से पत्थर के साथ बांधकर पानी में डुबो देता है। फिर विक अपने डॉग के साथ घर वापस आ जाता है और मेलिंडा को पूछता है कि आजकल टोनी नहीं दिख रहा, क्या बात है। विक यहाँ अपनी बेटी के साथ खाना एंजॉय कर रहा है। मेलिंडा उससे कहती है कि काफी दिन हो गए हैं, हमने हाइकिंग साइट पर पिकनिक मनाने नहीं गए हैं, चलो वहाँ चलते हैं। विक अपनी वाइफ और बेटी के साथ पिकनिक मनाने उस हाइकिंग साइट पर चला जाता है। वहां पर विक ने जो मेलिंडा की फोटोज ली थी वो उसे दिखाता है, जिसमें मेलिंडा की बहुत सी फोटोज का कलेक्शन था, जिसे देखकर मेलिंडा काफी खुश होती है और कहती है कि तुम ही एक ऐसे इंसान हो जो मेरी सारी हरकतों के बावजूद मेरे साथ रहना चाहते हो, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। फिर वो यहाँ पर इमोशनल हो जाती है। तभी उनकी बेटी ट्रिक्सी नदी के किनारे चली जाती है, इसलिए विक उसको लेने जाता है। वहाँ वो देखता है कि टोनी की डेड बॉडी अब फूलने की वजह से ऊपर आने लगी है। विक को यहाँ डर लगता है कि कोई उस बॉडी को देख लेगा, इसलिए वो ट्रिक्सी और मेलिंडा को लेकर घर के लिए वापस निकलता है। लेकिन जानबूझकर मेलिंडा का एक स्कार्फ वहाँ पर छोड़ देता है, जिसके बारे में मेलिंडा पूछती है कि मेरा स्कार्फ वहीं पर रह गया है। तो वो अनजान बनते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, मैं कल जाकर उसे ले आऊंगा। पिकनिक से घर आने के बाद मेलिंडा और विक दोनों प्यार करते हैं और विक को अब ऐसा लगने लगता है कि मेलिंडा अब बदल गई है। अगले दिन मेलिंडा के उठने से पहले ही वो उस स्कार्फ को लेने के लिए जाता है। मेलिंडा जब जागती है वो विक को खोजने लगती है। खोजते खोजते वो विक के स्नेल कल्चर वाले रूम में पहुंच जाती है, जहां पर चेक करने पर वो देखती है कि टोनी का वॉलेट वहां पर रखा हुआ है, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि विक ने ही उसे मारा होगा, इसलिए वो डॉन को कॉल कर देती है। यहाँ हाइकिंग साइट पर विक टोनी की बॉडी को ठिकाने लगा रहा था।
वहां पर अचानक से डॉन आकर कहता है, विक तुम वहां पर क्या कर रहे हो? तो विक कहता है कि मेरी वाइफ का स्कार्फ यहाँ छूट गया है, मैं उसे ही खोज रहा हूँ। डॉन कहता है कि देखो स्कार्फ तो मेरे पास है, और वो विक को टोनी की बॉडी को ढकेलता हुआ देख लेता है। ये देखकर वो काफी डर जाता है और भागने लगता है। विक भी अपनी साइकिल लेकर उसके पीछे भागता है। डॉन कार चलाते हुए कहता है कि चलो मुझे एक और स्क्रिप्ट मिल गई अपनी स्टोरी के लिए। वो पुलिस को मैसेज करना चाहता था लेकिन उसके हाथ से मोबाइल गिर जाता है। यहाँ प्रॉपर रोड ना होने की वजह से वो अपनी कार पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, लेकिन विक को ये रास्ता पता था इसलिए वो शॉर्टकट मार के डॉन की कार के सामने आ जाता है। डॉन उसे बचाने के लिए अपना स्टीयरिंग घुमाता है और उसका बैलेंस बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से उसकी कार नदी में गिर जाती है, जिसके बाद उसकी कार पानी में डूब जाती है और वो वहीं पर मर जाता है। यहाँ घर में मेलिंडा अपना बैग पैक करके वहाँ से जाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन उनकी बेटी ट्रिक्सी उस बैग को स्विमिंग पूल में फेंक देती है। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हें और अपने डैड को एक साथ देखना चाहती हूँ। जिसे सुनकर ऐसा लगा कि मेलिंडा का अब मन बदल चुका है। थोड़ी देर बाद विक घर पहुंच जाता है और मेलिंडा से पूछता है कि क्या हुआ। मेलिंडा कहती है कि कुछ भी तो नहीं। यहाँ मेलिंडा को सब कुछ पता था लेकिन वो विक को कुछ भी नहीं बोल रही थी। मेलिंडा ने टोनी का वॉलेट जो स्नेल कल्चर रूम से मिला था उसमें उसे जला दिया था, क्योंकि उसको अब ये रियलाइज हो चुका था कि उसके हस्बैंड से ज्यादा उसे कोई भी प्यार नहीं कर सकता, और अब वो अपने हस्बैंड और अपनी बेटी ट्रिक्सी के साथ एक हैप्पीली लाइफ जीना चाहती थी। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। आपको ये मूवी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए और स्क्रीन पर दिख रही अगली मूवी जरूर देखिएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।